दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हम मनुष्य जितना हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्य हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। फिर चाहे वो दो समुद्रों के पास मिलने वाले मरमेड्स हो या फिर मैरीना ट्रेंच की गहराई में मौजूद मेगलोडॉन। और भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, आज की वीडियो में हम आपको हमारी पृथ्वी में छुपे कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो या तो अस्तित्व में रह चुके हैं या फिर आज भी कहीं ना कहीं छुपे हैं। अब वो जीव कौन से हैं, इसे जानने के लिए बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि हमारे इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके दिमाग में 440 वोल्ट के झटके लगेंगे। दोस्तों, आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ जिसका नाम लोलोंग है, इसकी लंबाई लगभग 20 फीट है। ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि साल 1964 को वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसे मगरमच्छ का फॉसिल लगा जिसकी लंबाई 40 फीट थी, तो आप क्या कहेंगे? अब ये चीज सुनने में भले ही अजीब लग रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और ये फॉसिल आज से करीब 10 करोड़ साल पुराना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मगरमच्छ उस समय डायनासोर का शिकार किया करते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डायनासोर की दुनिया में भी शिकारी जीवों की कोई कमी नहीं थी। इस मगरमच्छ की सबसे खतरनाक बात यह थी कि समय के साथ इसका ग्रोथ रुकता नहीं था, यानी कि ये साल दर साल और ज्यादा साइज में बड़ा होता चला जाता था। अब आमतौर पर कोई भी नॉर्मल जीव एक निश्चित समय काल के बाद ग्रो करना बंद कर देता है। उदाहरण के तौर पर हम इंसानों को ही ले लीजिए, हम मैक्सिमम 18 साल तक बढ़ते हैं, उसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और ठीक ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले पाया जाने वाला ये मगरमच्छ लगातार बढ़ता रहता था, जिससे ये बात साबित होती है कि 40 फीट की लंबाई इस मगरमच्छ की असली लंबाई नहीं है। ये चाहे तो और ज्यादा लंबा हो सकता था। ऐसे में समय के साथ ये किस हद तक बढ़ सकता था, इसके बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है। पर सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि समय के साथ ये जीव किस तरह हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो गया, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। सैकोग्रामेटिक नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक साल 1950 में यूएस आर्मी की एक टीम ने ग्रीस में एक 18 फीट लंबे कंकाल की खोज की, और फिर उसी साल अलास्का में एक और बड़े इंसान का कंकाल मिला जिसका अकेले सिर ही 3 फुट का था। दोस्तों, इसके बाद साल 1993 में मंगोलिया में माइनिंग का काम करते हुए वहां के वर्कर्स को एक और कंकाल मिला जिसकी लंबाई 20 फीट से ज्यादा लंबी थी। अब इन कंकालों की रिसर्च हुई तो पता चला ये सभी कंकाल 1,25,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिसमें एक चीज तो पता चलती है कि या तो लाखों साल पहले नॉर्मल इंसान इतने लंबे हुआ करते थे या उस समय महामानवों का राज चलता था। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि कोई जीव आकार में हमसे लंबा हो तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर उसी जीव के पास एक से ज्यादा सिर हो तो आप जरा सोच कर देखिए आपका डर किस लेवल पर पहुंच सकता है। दोस्तों, ऐसा ही एक जीव है जिसका नाम है मल्टी हेडेड शार्क। अब आप खुद ही सोचिए, एक सिर वाली शार्क के बारे में सोचकर तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। ऐसे में उसे पता चल जाए कि किसी शार्क के एक से ज्यादा सिर मौजूद है तो उसका क्या होगा। लेकिन इस तरह की शार्क हमारी पृथ्वी पर इतनी ज्यादा रेयर है कि इनका हम इंसानों द्वारा देख पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ ही दिन पहले फ्लोरिडा के एक मछुआरे को 2 हेडेड शार्क का एक बच्चा हाथ लगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 में भी इंडियन ओशियन में एक 2 हेडेड बेबी शार्क को देखा गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो उनके मुताबिक समुद्र की गहराई में इस तरह के 2 या फिर 2 से अधिक सिर वाले शार्क का होना मुमकिन है। और ये बात भी वैज्ञानिकों द्वारा कही जा रही है कि आने वाले समय में हमें इस तरह के जीव देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम साल 1977 में हुई डरावनी घटना के बारे में आपको बताएं तो उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि समुद्रों पर रिसर्च करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन ने समुद्र की गहराई से आती हुई एक फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया जो कुछ और नहीं बल्कि किसी समुद्री जीव की आवाज थी। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये आवाज 6,000 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करके अंडर वाटर माइक्रोफोन्स तक पहुंची, और पहुंचने के बाद जो आवाज हुई वो कुछ इस तरीके की थी। क्यों दोस्तों, सोच में पड़ गए आखिर इस तरह की आवाज किस चीज की हो सकती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लू व्हेल, जो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, उसकी फ्रीक्वेंसी अधिकतर 1,500 किलोमीटर तक ही सुनाई पड़ती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 6,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आई थी जो कि 1,500 किलोमीटर का 4 गुना है।
अब अगर वॉइस की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जाए तो इस कैलकुलेशन से साफ पता चलता है कि जिस जीव की आवाज होगी वो ब्लू व्हेल से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा होगा। अब अगर हम आपको ब्लू व्हेल के बारे में बताएं तो दोस्तों दुनिया के इस सबसे बड़े समुद्री जीव का वजन 50,000 से लेकर 1.5 लाख किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 20 से 25 मीटर होती है। अगर ये इससे भी ज्यादा लंबे हो गए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि ये जीव करीब 80 से 100 मीटर तक लंबा हो सकता है, और अगर हम इससे भी आधा मान लें तो इसकी लंबाई 40 मीटर तो होगी ही। ये लंबाई एक साथ सैकड़ों लोगों को तबाह करने के लिए काफी है। ऐसे में इतने लंबे जीव के बारे में अगर इतिहास के पन्नों को उठाकर देखा जाए तो वो या तो करकेन या लिवायतन जैसे जीव होंगे, नहीं तो हम सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले मेगलाडोन जैसे कोई राक्षस होगा। दोस्तों ये सभी मॉन्स्टर आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे, जिनके जिंदा रहने के सुराग हमें समुद्रों से आज भी मिलते हैं, फिर चाहे वे इनके दांत के रूप में हो या इनके शरीर के बाकी अंगों के रूप में। हमें इस तरह के खतरनाक समुद्री जीवों के सुराग कहीं ना कहीं मिला करते हैं, जो दिमाग में एक डर बनाए रखते हैं कि अगर कहीं ये जिंदा हुए तो इन्होंने इंसानी सभ्यता की तरफ अपना रुख कर लिया तो इनको रोक पाना असंभव हो जाएगा। वैसे जब हम कराकेन और मेगलाडोन जैसे विशालकाय मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं तो इन सभी को टक्कर देने वाले सबसे खतरनाक जीव के बारे में आपको बताना कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों जिस जीव की हम बात कर रहे हैं वो आज से 6 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो गया था। इस जीव का आकार 43 फीट का था और वजन 1 टन के बराबर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं दुनिया में अब तक पाए जाने वाले सबसे खतरनाक और विशालकाय सांप टाइटेनो बोआ के बारे में। क्योंकि अगर आप 2 जिराफ की हाइट की तुलना इस विशालकाय सांप के सामने करेंगे तब भी वो टाइटेनो बोआ से छोटा पड़ जाएगा। जिस तरह आज के समय में एनाकोंडा और पाइथन जैसे सांपों ने हम इंसानी सभ्यता की नाक में दम कर रखा है, वो हर साल हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, वहीं आज से करोड़ों साल पहले ये टाइटेनो बोआ हमारी पृथ्वी पर रहकर डायनासोर की हालत खराब करने में लगे रहते थे। क्योंकि इनका साइज इतना ज्यादा बड़ा होता था कि ये डायनासोर को बड़ी आसानी से खा लेते थे, और मगरमच्छ जैसे जीवों का शिकार करना इनके लिए ठीक वैसा ही था जैसे हम इंसान चींटियों को मसल कर मार देते हैं। ऐसे में अब आप सोचिए अगर ये सांप पृथ्वी पर वापस आ गया तो कितना बड़ा भूचाल आ जाएगा। वैसे जिस हिसाब से लंबे लंबे सांप पाए जा रहे हैं उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि वो दिन दूर नहीं जब टाइटेनो बोआ जितने बड़े सांप हमें देखने को मिले। और दोस्तों हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे, बल्कि इसके पीछे की एक वजह है, और वो वजह ये है कि ये सांप जब पृथ्वी पर रहता था तो धरती का तापमान काफी अधिक हुआ करता था, और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसे देखते हुए कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि पृथ्वी का एवरेज तापमान अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, और यही कारण है कि सांप जैसे जानवर अपने साइज में विस्तार करने में लगे हैं। अब समुद्री जीवों के विशालकाय रूप को कैसे रोका जाए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर हम इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग फैलाते रहेंगे तो सांप जैसे जानवर अपना साइज बड़ा करने में देर नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इन्हें काबू करना मुश्किल हो जाएगा। अब फैसला आप पर है कि आप क्या चाहते हैं, इस तरह के विशालकाय जानवरों का प्रकोप झेलना या फिर साफ सुरक्षित हवा में सांस लेना, क्योंकि हम तो सेकंड ऑप्शन को ही चुनेंगे और अपनी तरफ से मेहनत भी करेंगे। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।